क्लच देना पड़ गया भाई। अरे भाई भाई बंद हो गया भाई टक भाई बंद हो गया भाई, दूसरे के लो में घूम पे भाई, बार भी हम बढ़ा के जब थोड़ा सा क्या भाई साइड ब्रेक दबाना भाई, तो साइड ब्रेक दबाने से देखो थोड़ा फर्क तो पड़ा भाई ट्रैक्टर के ऊपर। भाइयों राम राम, भाइयों जो आज की वीडियो बनाऊंगे जी आयसर 551 की। और भाइयों ये आयसर का 551 सुपर प्लस 5-स्टार मॉडल है भाई। और भाई ये ट्रैक्टर अभी 2 दिन पहले लाया और आते ही भाई ने रोटावेटर पर डाल दिया। आज इसकी पहली ही मतलब पहली बारी से रोटावेटर पर चलाया, मतलब खेत में पहली बारी ट्रैक्टर आया भाई आज खेत में वो। और भाई इसके बारे में बताऊँगे भाई और क्या क्या कंपनी इसके अंदर चेंज करे भाई। एक जो आयसर का 551 सुपर प्लस 1628 टायर साइज के साथ में है, जो अभी कंपनी ने अभी लॉन्च करा, इसके बारे में आपको छोटे छोटे बदलाव जो कंपनी ने करे वो बताऊँगे। और इसके पीछे रोटावेटर डाल रखा ये KSD का 7 फिट का भाई, वैसे तो 7.5 है अंदर अंदर 7 है ये ट्रैक्टर पीछे है। इसके बारे में 2-4 बातें जो कंपनी में छोटे छोटे बदलाव करे कंपनी ने इसके अंदर मैं आपको बताऊँगे। और बाकी एक बार आप कंडीशन ट्रैक्टर देख लो भाई, वैसे तो नया ट्रैक्टर है ये जो ये पीछे से। और भाई ये अपोलो के 1628 टायर साइज के साथ में भाई ये ट्रैक्टर है 5-स्टार मॉडल। देखो अभी तक तो इस पर से इसकी डेकोरेशन भी नहीं उतरी, ये ट्रैक्टर है भाई ये देख लो, ये 750-16 के अगले टायर साइज के साथ में। और ये भाई इसका इंजन है और भाई इसका सिलेंसर उतार रखा, ये क्या है थोड़ा सा ऐसे रवा करने सोची थी लेकिन क्या खेत उसी हिसाब का मिला नहीं, बड़ा खेत नहीं मिला इसलिए भाई करा नहीं, सिलेंसर उतार कर लाए थे भाई कि थोड़ा सा रवा करने की सोची थी इसे कि आते ही रवा कर देंगे, लेकिन क्या है खेत बड़ा नहीं मिल पाया, छोटा खेत था ये, कोई ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है तो इस वजह से इसे अभी करा नहीं ये। और भाइयों एक चीज़ और दिखाऊं भाइयों, ये ट्रैक्टर का मुझे जो सबसे स्पेशल चीज़ लगी जिसमें कंपनी ने बदलाव भी करे भाई, ये है इसका फ्रंट एक्सल भाई। फ्रंट एक्सल इसका ये देखो आप कितना हैवी, मतलब ये मेन लोडर के हिसाब का फ्रंट एक्सल है ये देखो भाई, बड़ा ही हैवी फ्रंट एक्सल दिया कंपनी ने इसमें जो सुपर प्लस है 5-स्टार। और भाई इसका पावर स्टीयरिंग है ये देखो, पावर स्टीयरिंग रोड भी काफ़ी हैवी दे रखी, डबल जैक के साथ में पावर स्टीयरिंग है भाई इस ट्रैक्टर का। और ये बोस के इनलाइन पंप के साथ में ट्रैक्टर है भाई, बिल्कुल सील पैक ट्रैक्टर है, अभी 2 दिन पहले है। अभी इसको आपको मीटर भी दिखाऊंगे कितने घंटे चला आप तक ये, और दूसरे दिन ट्रैक्टर को लाएगा हुआ भाई। और एक बार ये इसका भाई टायर है ये देखो, 16 नोट अपोलो का टायर साइज के साथ में ये भाई। और भाई ये पीछे से ये देखो, और भाई इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर ये के साथ में ट्रैक्टर है। और भाई ये रोटावेटर है इसके पीछे ये भाई ये देखो। अब एक बार आपको इसका मीटर भी चला दिखाऊंगे कि ट्रैक्टर कितने देखो आपको कि कितने घंटे चल रखा और कितने घंटे नहीं, ये देखो भाई अब तक 11 घंटे चल रखा, जो कि कंपनी से ही लगभग चलावा हुआ है इतना तो ट्रैक्टर, क्योंकि लाने ले जाने में प्लांट से इतना चल जाओ। और भाई अभी आपको इसके बाद भी सुना भाला थोड़ा सिलेंसर उतर रखा ट्रैक्टर का। और भाई ये इसके लीवर है ये देखो, और भाई ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, ये डबल डिस्ट्रीब्यूटर का भाई डिस्ट्रीब्यूटर का होगा भाई, ये हाइड्रोलिक की सेंसिंग होगी इसकी भाई। और एक बार आपको हम इसकी प्लेट भी दिखाऊंगे भाई थोड़ी सी, ये भाई इसकी प्लेट है, एक बार आप प्लेट को गौर से देख लो, ये भाई इसकी P2H भी जो भी कुछ है ये इसकी एक बार डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट होगी। और भाइयों ये इसका PTO भाई, ये डुअल क्लच में है ये भाई ट्रैक्टर था। अभी आपको मैं थोड़ा इसका थोड़ा सा वो भी दिखाऊंगा कितने RPM पर ट्रैक्टर चलाऊंगे, बैठ जा भाई। अच्छा ले भाई ट्रैक्टर होगा, एक मिनट थम जा, इसे एक बार इसके फुल RPM करा दिखा दे कितने RPM फुल लग के इसके फुल रेस भैया मार दो भाई, 2000 RPM खुल लग के, और भाई कितने RPM 1500 RPM पे, और दूसरे का लोग एयर में डाल दो भाई। और लीवर भी दिखाऊंगा भाई कितने छोड़ रखे इसमें पीछे भाई, थोड़ा पीछे से ले आऊंगा भाई, ये देख लो ये लीवर सेट कर ले भाई, थोड़ी मक्का बोरे ये लीवर सेट कर ले 1500 RPM और 23 लेंथ हो गया भाई भाई ने ट्रैक्टर का भाई 1500 RPM दूसरे का लो गियर
आरपीएम भी दिखाऊंगा भाई कितने ड्रॉप करेगा ट्रैक्टर। ये देखो भाई, ये भाई केएचडी का 7 फुट का रोटर है, 48 ब्लेड के साथ में है भाई ये रूटावेटर। थोड़ा रूटावेटर छोटा है ट्रैक्टर के हिसाब से, लेकिन भाई ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा। अब आज थोड़ा साइलेंसर उतार रखा इस वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ये देखो भाई, अभी भाई इसके मतलब और भी भाई, और एक बात और, अगर मैं इस ट्रैक्टर की जो थोड़ा प्राइस की बात करूँ भाई, ये आइसर जो 551 थोड़ा भाई घूम पर ट्रैक्टर दब रहा भाई। भाई अगर हम इसी कीमत की बात करें तो ये 8,25,000 रुपये में भाई ट्रैक्टर पड़ा, 8,25,000 रुपये में जो ऑन रोड ट्रैक्टर पड़ा भाई है। ठीक चल रहा भाई, दूसरे के लोग एयर में चल रहा फिलहाल, ये चाल भी सही है भाई ट्रैक्टर की। और भाई अब कहीं सिलेंडर उतार दिया बात बड़ी थोड़ी बात, थोड़ा सा घूम पड़ा ट्रैक्टर का दबरा भाई, अभी थोड़ा रबा होगा खुलेगा तो इस चीज़ से भाई थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब हम इसके भाई आरपीएम भी दिखाओगे ट्रैक्टर कितने आरपीएम ड्रॉप कर रहा, मात्र 11 घंटे ट्रैक्टर चलावा कितने आरपीएम ड्रॉप करेगा। भाई देखो 1500 आरपीएम है पूरे छोट भाई कलर भी काफी बढ़िया है भाई, 28 टायर साइज में होने की वजह से चाल भी काफी अच्छी निकाल रहा भाई। भाई जुताई के लिए काफी बढ़िया चाल है। थोड़ा सा भाई दाब मानना भाई, 7 फीट रोटावेटर पे दाब मान गया भाई। भाई कमेंट में बताइए भाई ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा, और जैसी भी वीडियो लगा भाई वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले करो मेरे भाई। बाकी कमेंट में बता दे करो भाई आपको कैसी वीडियो चाहिए, हम आपके लिए भाई ऐसी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करा करेंगे। और एक बात और बताइए भाई ट्रैक्टर में, ये बताइए भाई किसान भाई ने यह क्या आज 23 सिलेंसर उतारा, या क्या ये प्रोसेस सही है ट्रैक्टर के साथ करना, सिलेंसर तार का रवा करने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा ये जल्दी हीट होगा। कमेंट में अपनी राय देने की भाई पूरी कोशिश करियो। और ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा भाई, आरपीएम ट्रॉफी तो बिल्कुल नहीं है भाई ट्रैक्टर के अंदर।
ट्रैक्टर क्लच देना पड़ गया भाई। अरे भाई भाई बंद हो गया भाई भाई बंद हो गया भाई, दूसरे के लो में घूम पे भाई, बार भी हम बढ़ा के जब थोड़ा सा क्या भाई साइड ब्रेक दोबारा भाई, तो साइड ब्रेक दबाने से देखो थोड़ा फर्क तो पड़ा भाई ट्रैक्टर के ऊपर। वैसे बताए भाई कमेंट में बताए भाई ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है।